हरे कृष्णा राधे राधे। करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। करवा चौथ को सबसे बड़ी चौथ माना गया है। करवा चौथ सुहागन महिलाओं के लिए बहुत खास दिन होता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति के स्वास्थ्य दीर्घायु की मंगल कामना के लिए ये व्रत करती हैं और कुंवारी कन्याएं सुंदर सुशील और अच्छे पति की कामना के लिए ये व्रत करती हैं। ये व्रत सौभाग्य और शुभ संतान देने वाला है। इस दिन सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पति की दीर्घायु के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। करवा चौथ के व्रत में चौथ माता गणेश जी महाराज शिव पार्वती और श्री कार्तिकेय जी के साथ चंद्रमा का पूजन किया जाता है और करवा चौथ की कहानी कही सुनी जाती है। इस दिन करवा चौथ की कहानी का बहुत अधिक महत्व है और कहानी सुनने के बाद ही हमारी पूजा पूरी होती है, चौथ माता प्रसन्न होती है। करवा चौथ की कहानी के साथ गणेश जी महाराज की कहानी भी जरूर सुने। आज इस वीडियो में आपको 3 पौराणिक करवा चौथ की कहानी के साथ चौथी गणेश जी महाराज की कहानी सुनाती हूँ। प्रेम से मन से भाव से सुनना। बोलो करवा माता की जय, गणेश जी महाराज की जय। एक साहूकार के 7 बेटे और 1 बेटी थी। 7 भाइयों की बहन बड़े लाड प्यार में रहती थी। भाई जब भी खाना खाते तो बहन के साथ ही खाते। समय के साथ बहन बड़ी हुई और उसका विवाह राजा के बेटे से करवा दिया। पहली करवा चौथ पर बहन घर आई। बहन ने व्रत रखा करवा चौथ का। शाम को जब 7 भाई खाना खाने आए तो उन्होंने बहन को भी खाना खाने के लिए बुलाया तो माँ बोली, आज इसका करवा चौथ का व्रत है, जब तक चांद नहीं निकलेगा तब ये अर्धकरी खाना खाएगी, उससे पहले खाना नहीं खाएगी। अब भाइयों ने सोचा कि हमने तो सुबह भी खाना खा लिया था, तब भी अब शाम को इतनी भूख लग रही है, हमारी बहन ने तो सुबह भी नहीं खाया था तो इसे तो और ज्यादा भूख लगी होगी। अब ऐसा सोचकर एक भाई ने दीपक जलाकर चलनी से ढककर उसका प्रकाश वो चांद के जैसा हो गया और वो बहन को दिखा दिया। अब बहन ने देखा, हाँ चांद तो निकल आया है। बहन ने अपनी भाभियों से कहा कि चलो दर्शन कर लो और अर्घ दे दो, चांद निकल आया है। भाभियों ने कहा, आप जाओ, हमारा चांद अभी नहीं निकला है। अब भाभियों की बात को अनसुना कर वो तो चांद को अर्घ देने के लिए चली गई। उसने चांद को जल अर्पित किया और उसके बाद भाइयों के साथ खाना खाने के लिए बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो उसमें बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक आ गई, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो ससुराल से बुलावा आ गया। आने वाले व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारे कुंवर साहब की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, जल्दी से चलो। माँ ने लड़की के पहनने के कपड़े निकालने के लिए 3 बार बक्सा खोला और 3 बार सफेद कपड़े निकले। तब माँ ने वही कपड़े पहनाकर उसे ससुराल भेज दिया। ये सारे अनहोनी होने के अशुभ संकेत होते हैं, जब खाना खाते हुए छींक आए, बाल निकले या इस तरह जब बक्सा खोल रहे तो सफेद कपड़े मिलना, है ना। अब जो माँ थी वो बहुत समझदार थी, उसने लड़की की साड़ी के पल्ले में 1 सोने का सिक्का बांध दिया और कहा, रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पड़ती जाना, सबसे आशीष लेती जाना, जो भी तुझे सुहाग का आशीष दे उसे ये सिक्का दे देना और उसके बाद अपने पल्ले में गांठ लगा देना। अब लड़की ने कहा ठीक है। लड़की ने वही किया, रास्ते में जो भी मिलता वो उसके पैर पड़ती। सब ने उसे आशीष दिया, भाई भांजों के सुहाग का आशीर्वाद दिया, खुश रहने का आशीर्वाद दिया। चलते चलते अब वो ससुराल के दरवाजे तक आ गए। दरवाजे में घुसते ही उसकी छोटी नंद खड़ी हुई थी, वो उसके पैरों में भी पड़ी तो ननन ने उसे आशीष दिया, सीली हो, सपूती हो, 7 पूतों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखने वाली हो। अब ये आशीष सुनकर उसने झट से सोने का सिक्का अपनी नंद को दे दिया और पल्ले में गांठ मार ली। अब वो अंदर चली गई, सास ने उसे बैठने के लिए पीड़े नहीं दी और रोकर बोली, ये तो मरा पड़ा है। अब वो बेचारी भी अपने पति को ऐसे देख कर रोने लगी। अब उसे कुछ कुछ समझ में आ रहा था कि आज बिना चांद देखे खाना खाने बैठी, इसी से करवा माता नाराज हुई है और पति के प्राण चले गए हैं। अब लोगों ने बहुत समझाया बुझाया और उस लड़के के राजा के बेटे के क्रियाक्रम की तैयारी करने लगे, पर उसने लड़की ने इन सबको रोक दिया। उसकी सास ने कहा, क्या मड़ा सेवेगी, मरे हुए की पूजा करेगी क्या? उसने कहा, हाँ मैं मड़ा से लूंगी, आप कोई चिंता ना करें। अब वो बहुत जिद करने लगी। अब उसके जिद के आगे घर वालों ने एक अलग मकान में उसको रख दिया। बेचारी मड़ा सेकने लगी, मतलब मरे हुए पति की ही सेवा करने लगी। दासी रोज आकर बासी सूखी रोटियां उसको दे जाती, उसी से वो अपना जीवन चलाती। अब पहली मांग से मास की चौथ आई, बोली करवा लो जी करवा लो, भाइयों की प्यारी करवा लो, दिन में चांद उगाने वाली करवा लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवा लो। अब वो जो लड़की थी वो चौथ माता के पास गई और उनके पैंट पकड़कर बोली, माता मैंने नियम बिगाड़ा, आप ही सुधारोगी, मुझे मेरा सुहाग दे दो। चौथ माता बोली, मेर से बड़ी बहन पौ की चौथ आएगी, तुम उससे अर्ज करना। अब पौष की चौथ आई, उसने कहा, मेर से बड़ी माघ की आएगी। इस तरह अपने से अगली अगली को बड़ा बताते हुए सारी की सारी चौथ चली गई। अंत में अश्विन मास की चौथ आई, उसने कहा,
तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसने ही तेरा सुहाग लिया है, वो ही तेरा सुहाग वापस कर सकती है। अब वो जो लड़की थी वो बहुत रोने लग गई, चौथ माता से विनती करने लग गई। तो चौथ माता ने कहा, देख इसमें मैं कुछ कर नहीं सकती, पर मैं तुझे रास्ता बताती हूँ जिससे तू करवा चौथ माता को खुश कर सकती है। तू ऐसा करियो, सारे रास्ते में कांटे बिखेर के रखती हो, जब करवा चौथ आएगी और उसके पैर में कांटा चुभेगा तो वो बहुत चिल्लाएगी, तब तू सुई लेके बैठ जाना और उसके पैर पकड़ना, पकड़कर छोड़ना मत, और उसके पैर के कांटे निकाल देना। फिर वो तुझे आशीर्वाद देगी तो तू उसे करवे भी मांग लेना। जब वो तुझे करवे दे देगी तब तू बढ़िया उजमन करना जिससे पति तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने अश्विन की चौथ को बहुत धन्यवाद दिया। अब अगली कार्तिक की चौथ आई, सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा, सबने सर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी और वो ये सब देखती जा रही थी। अब उसने भी व्रत रखा, जैसे अश्विन चौथ माता ने कहा था उसने वैसे ही किया, सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब कार्तिक चौथ माता आई, करवे लेकर आई, तो उसके पाँव में कांटा चुभने से दर्द हुआ, वो खूब चिल्लाती हुई आई। उससे जो लड़की थी, बहन थी, उसने माता का पैर पकड़ लिया और छोड़ा नहीं और सारे कांटे उनके पैरों के निकाल दिया। माता का दर्द शांत हुआ तो उन्होंने उसे आशीष दिया, आशीर्वाद दिया। तब वो बोली, माता आशीर्वाद दिया है तो करवे भी दे दो। तो उसके बाद वो माँ के सामने गिड़गिड़ाने लगी और बोली, माता मेरी भूल हो गई, मैंने व्रत बिगाड़ा, अब आप ही उसे सुधारो। उसकी विनती देखकर, उसके प्रार्थना सुनकर चौथ माता को दया आ गई, वो खुश हो गई और बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। अब ये कह के चौथ माता ने उसे आंखों से काजल, नखूनों से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और टीके में से रोली निकालकर चिट्ठी उंगली से छीटा दिया और साथ ही करवे भी दे दिए। अब करवे लेकर बहू ने उज्जवल की तैयारियां की। राजा का लड़का तुरंत उठकर बैठ गया, बोला, खूब नींद आई। अब वो जो बहन थी बोली, ऐसा भी क्या सोना, मुझे तो 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते करते, कार्तिक की चौथ माता ने मुझे सुहाग आशीष दिया है। अब उसने सारी बात जो जो हुई थी वो राजा की लड़की को बताई। राजा का बेटा बहुत खुश हुआ, उसने कहा, चौथ माता का उत्सव करना चाहिए। अब उन दोनों ने मिलकर चौथ माता की कहानी सुनी, उद्यापन करा और खूब सारा चूरमा बनाया और खा पी के दोनों पति पत्नी चौपट खेलने लगे। अब दासी आई बासी टुकड़े लेकर, देखा तो दोनों चौपट खेल रहे हैं। अब वो तो भागी भागी वापस उसकी सास के पास चली और बोली, वहां तो खूब रौनक है, तुम्हारे बहू बेटा तो चौपट खेल रहे हैं। अब सासू को विश्वास नहीं आया, मेरा बेटा चौपट खेल रहा है। वो भाग के देखने के लिए आई, दोनों को खेलता देखकर बहुत खुश हुई। बहू ने सास के पैर दबाए तो सासू बोली, बहू ससन बता तूने क्या किया। उसने अपना सारा हाल सासू को कह सुनाया, घर में आनंद छा गया। राजा ने जब सुना तो उसने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अपने पति के जीवन के लिए, अपने सुहाग की रक्षा के लिए सब स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रखें। पहली करवा चौथ को अपने पियर में जाकर व्रत करें। हे चौथ माता, जिसे राजा के लड़के को जीवन दिया वैसे ही सभी को देना, कहते सुनते हुकारा भरते सब स्त्रियों को अमर सुहाग देना, साहूकार की बेटी की तरह दुख किसी को मत देना। बोलो करवा चौथ माता की जय। करवा चौथ की एक दूसरी कहानी है जिसमें एक देवी करवा थी, वो अपने पति के साथ तृंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और उन्हें नदी में खींचने लगा। अब मौत को अपने पास देखकर करवा के पति जोर जोर से करवा को बुलाने लगे, करवा 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 चिल्लाने लगे। अब जो देवी करवा थी वो दौड़ के नदी के पास पहुंची तो उसने देखा कि जो उसके पति है वो तो मौत की मुंह की तरफ जा रहे हैं और मगरमच्छ उन्हें नदी में खींच रहा है। अब देवी करवा ने एक कच्चा धागा वहीं पड़ा था उसे लिया और मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा जो देवी करवा थी उनके सतीत्व की इतना ज्यादा प्रभाव था कि मगरमच्छ एक कच्चे धागे से भी बंधा रहा और वो हिल भी नहीं पा रहा था। मगरमच्छ ने देवी करवा के पति के पैर नहीं छोड़े, इसे दोनों ही, मगरमच्छ भी और उनके पति दोनों के प्राण संकट में फंसे हुए थे। देवी करवा ने यमराज को पुकारा। अब उनके सतीत्व में, उनके पतिव्रता धर्म में इतना तेज था, इतना प्रताप था कि यमराज वहां पर तुरंत प्रकट हो गए। अब जो देवी करवा थी उन्होंने कहा कि मेरे पति को जीवन दान दो और इस मगरमच्छ को तुरंत मृत्यु दंड दो। अब यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु बची हुई है और तुम्हारे पति की आयु पूरी होने का समय हो चुका है। अब ये सुनकर कर देवी करवा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा भी नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। अब जो यमराज थे उन्हें पता थे कि ये बहुत सती स्त्री है और उनके श्राप से वो डर गए, तो यमराज ने तुरंत ही मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और देवी करवा के पति को जीवन दान दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती है, हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। बोलो करवा माता की जय।
एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध हो रहा था। जंग के मैदान में जो दानव थे वो देवताओं पर हावी हो रहे थे। युद्ध में सभी देवताओं को संकट में देखकर उनकी पत्नियां बहुत ज्यादा परेशान हो गई और वो अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए सोचने लगी कि हम क्या उपाय कर सकते हैं। और ये पूछने के लिए सभी स्त्रियां ब्रह्मदेव के पास पहुंची। ब्रह्मा जी ने देवताओं की पत्नियों से करवा चौथ व्रत करने को कहा। ब्रह्मदेव बोले कि इस व्रत के प्रभाव से देवताओं पर कुछ भी आंच नहीं आएगी और वे युद्ध में जीत भी जाएंगे। ब्रह्मा जी की बात सुनकर सभी स्त्रियों ने कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया, जिसके परिणाम से करवा माता ने देवताओं के प्राणों की रक्षा करी और वो सभी युद्ध में जीत गए। हे करवा माता, जैसे देवताओं पर आए संकट को हर लिया, ऐसे ही हमारे पति के जीवन पर आए किसी भी संकट को आप इसी तरह हर लेना, उन्हें अमर जीवन देना। बोलो करवा माता की जय। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज मिट्टी के गणेश जी बनाते और वो रोज ही गल जाते। पड़ोस में एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई ने जाकर मकान बनाने वाले मिस्त्री से कहा, मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो। मिस्त्री बोले, जितनी देर में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतनी देर में तो हम अपनी दीवार ना चुन लेंगे। बुढ़िया माई बोली, राम करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। और बुढ़िया माई की पूजा में इतनी शक्ति थी, इतनी भक्ति में उनका इतना प्रताप था कि वाकई दीवार टेढ़ी हो गई। अब उसके बाद से मिस्त्री बार बार दीवार चिनता और वो दीवार टेढ़ी हो जाती, फिर वो उस दीवार को गिरा देता, फिर से चिनता, फिर दीवार टेढ़ी हो जाती और फिर से गिरा देता। इस तरह करते करते रात हो गई। रात को सेठ आया तो उसने कहा, अरे आज कुछ भी काम नहीं हुआ। मिस्त्री बोले, क्या करे सेठ जी, सुबह से दसियों बार हम ये दीवार बना चुके हैं पर बनाते ही टेढ़ी हो जाती है। सेठ बोले, ऐसा क्यों हो रहा है? मिस्त्री बोले, सुबह एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश बना दो, हमने मना किया तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए और तब से जाने क्या हो रहा है, दीवार सीधी बन ही नहीं रही है। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया और कहा, अम्मा हम तेरा सोने का गणेश करवा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। बुढ़िया माई ने गणेश जी से प्रार्थना की और अब की बार जब मिस्त्री ने दीवार बनाई तो दीवार बहुत जल्दी भी बनी और बिल्कुल सीधी बनी। सेठ ने बुढ़िया माई को सोने के गणेश जी करवा दिए। बुढ़िया माई गणेश जी पाकर बहुत खुश हुई। हे गणेश जी महाराज, जैसे सेठ की दीवार सीधी की, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सभी के कार्य सीधे करना। बोला गणेश जी महाराज की जय। मैं उम्मीद करती हूँ करवा चौथ की ये सभी कहानी आपको बहुत पसंद आएंगी। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।